मुंबई की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था अभियान द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का इंतजार शहर के हर उत्तर भारतीयों को रहता है। यूपी दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार 23 जनवरी की शाम 4 बजे से सांताक्रूज पश्चिम के मिलन सबवे के निकट स्थित लायंस क्लब मैदान में उत्तर भारतीयों का महाकुंभ दिखाई दिया, जिसमें सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला और भोजपुरी फिल्मों की गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह की उपस्थिति में भोजपुरी के कलाकारों ने मंच पर समा बांध लिया। मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्र ने बताया कि अयोध्या में भव्य मंदिर में भगवान श्रीराम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी योगी ने रामोदय किया है। रामोदय के कार्यक्रम में हमने अयोध्या की गायिका संजोली पांडेय को मुंबई बुलाया है। वे रामोदय के इस समारोह में उन्होंने लोकगीत प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रोत्साहित राम आएंगे फैम गायिका स्वाति मिश्रा और भोजपुरी फिल्मों की पार्श्व गायिका प्रियंका सिंह के लोकगीतों एवं नृत्य संगीत के रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। शुक्रिया कि आपने मुझे उस काबिल समझा और आज यहाँ पर बुलाया। हाँ, सत्ता की हठधर्मी थी, याद आज भी वो ललकारे, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खोला रक्त नहीं वो। जय जय श्री राम। बच्चा बच्चा ठान चुका था धर्म ध्वजा लहरानी है, जन्म भूमि के काम न आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े, जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े। अयोध्या में जिस तरीके से धमाल मचा राम जी आ चुके हैं, इसी तरीके से मुंबई में भी इस तरीके का मान, इतनी खुशी देखने को मिल रही है, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस। आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया, उसके लिए बहुत 1947 में 15 अगस्त के दिन इस देश में स्वतंत्रता मिली थी, तब सूर्योदय हुआ था। लेकिन आज जब 22 जनवरी को 2024 को रामोदय हुआ है और रामोदय का जो राम राज्य है, इस राम राज्य में सबको न्याय मिलेगा, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और इस रामोदय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो उपक्रम किए, बाबा तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा और रामचरितमानस घर घर गया। मॉरिशस में लोग
उसे लेकर गए और दिवस जात नहीं लागे बारह इस पर अपना दिन व्यतीत किए। ऐसे रामचरितमानस को जब रामायण की एक एक घटना लोगों के जहन में जाती थी, लेकिन जब आदरणीय मोदी जी ने इस राम के जन्म स्थान पे मंदिर का स्थापना हो, मूर्ति की स्थापना हो, इसके लिए प्रयास किया, मुझे लगता है पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया का सनातन धर्म एकजुट हो गया और उसे भगवान राम के प्रति आस्था भी बढ़ी है और भगवान राम के संघर्ष जीवन संघर्ष का गाथा भी मालूम पड़ा है। जटायु कैसे हैं, निषाद राज कैसे हैं और शबरी कैसी है, ये जातियों का बंधन टूटा है जो भगवान राम संदेश देते थे, उसी का रामोदय का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उसकी पूर्व संध्या पर हमने यहाँ आयोजित किया था मुंबई में और प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है, अभियान संस्था इसका आयोजन करती है। सर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय जितने भी वहाँ लोग मौजूद सब भावुक एकदम हो गए थे। पहली बार ऐसी घटना हुई थी कि भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो जो लोग उससे साक्षी नहीं थे आज तो प्रत्यक्ष देख रहे थे कि भगवान राम की प्रतिष्ठापना हो रही है और उनके आने से अयोध्या के लोग जितने खुश थे पूरी दुनिया का सनातन धर्मी उतना ही खुश था। इसलिए कल लोगों के आंखों में आंसू भी थे, दिल में भगवान के प्रति असीम प्रेम का प्रकटीकरण भी था। कल पूरा भारत का पूरी दुनिया राम में भगवान में हो गई थी, इसके क्या? देखिए पूरी दुनिया का स्वाभाविक था राम में होना कि 500 वर्षों के बाद 14 साल के बाद भगवान जब लौटे थे तब इतनी खुशी थी, आज तो 500 साल के बाद भगवान लौट रहे थे अपनी अयोध्या में, तो इसका श्रेय योगी मोदी को तो है ही, पूरी उस कार सेवकों की के कुर्बानियों को भी है जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया और उस संघर्ष का प्रतिफल भी मिला, न्यायालय से न्याय मिला और सरकार में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों ने भी सनातन धर्मियों के साथ। अनारा जी क्या कहना चाहेंगे इतने ठंड में, मुंबई में ठंड थोड़ी बढ़ चुकी है लेकिन आपने स्टेज पे माहौल थोड़ा गर्म कर दिया, क्या कहेंगे? आपको लग रही होगी ठंड, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, बट यस बहुत मजा आया। आज यूपी दिवस का कार्यक्रम था मुंबई में सांता क्रूज में। अच्छा लगता है कि जब यूपी बिहार का जो कल्चर है, जो लोग हैं, वहाँ के जो दिन हैं, हम मुंबई जैसे मल्टीनेशनल सिटी में मनाते हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। हमें बहुत खुशी हो, मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है कि हम यूपी दिवस मुंबई में मना रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हुए, तो अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। जब आप स्टेज पे थी तो आपको ऐसा लगा कि आप मुंबई में परफॉर्म कर रही, जिस तरह से क्राउड था? नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं यूपी में ही परफॉर्म कर रही हूँ। आई थिंक जैसे गाना बजा, लोगों का जो रिस्पांस है और जो लोग इतना प्यार देते हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं कि अभी अनारा परफॉर्म करेगी, तो अपने आप में लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया इतने सालों में कि लोग मेरी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। जिस तरह का थीम रखा गया है आज यूपी दिवस पे रामोदय, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों को ना हमेशा भोजपुरी का जो तड़का वाला सॉन्ग होता है उस पे परफॉर्म करने को मिलता है, उस पे करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसी गानों को प्यार करती है। लेकिन आज सेकंड मैंने वो किया ऑडियंस के लिए, बट कहीं ना कहीं मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो पहला गाना किया घर मोरे परदेसिया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि क्योंकि राम जी आए हैं, सच में आए हैं, नहीं मतलब थे तो बहुत समय से, लेकिन अपने घर में, अपने घर, उनको अपना घर मिला है, सो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और उस पर परफॉर्म करना, उनके लिए परफॉर्म करना, अपने आप में ऐसा लगता है कि हमने भी इतना सतनू सा कर्ण भर एक अपना योगदान दिया है। अनारा जी कल रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद तमाम फिल्मी कलाकार भोजपुरी के चाहे बॉलीवुड के लोग अयोध्या जा रहे हैं, आप कब जा रही हैं? मैं जब भीड़ कम हो जाए, 2-3 लाख पब्लिक खड़ी है जो दर्शन किया है आज, मैंने आज अभी न्यूज में देखा 3 लाख पब्लिक ने दर्शन किया है और भीड़ का आना स्वाभाविक है। लोग, हम लोग तो अब फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिन लोगों ने अपने परिवार खोए हैं, जिन लोगों के ऊपर वो अत्याचार हुआ था जब वो तोड़ा गया था 500 साल पहले, उनके जो आगे वंश होंगे उनको आज क्या फील हो रहा होगा। हम लोग तो अभी कनेक्ट हो रहे हैं कि हाँ मंदिर आ रहा है, मंदिर आ रहा है, लेकिन जो लोग पुराने चले आ रहे हैं, जो जो साधु संत
कनेक्ट है उन भगवान के साथ जो उन जो तब से वेट कर रहे हैं, जो उनके इस लड़ाई में इतने सालों से लगे हुए थे, तो उनका सोच सोच के मुझे और गूज़बम्प्स आते हैं और खुशी महसूस होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हनुमान जी, क्योंकि हम सबको पता है हनुमान जी चिरंजीवी हैं, कहीं ना कहीं वो कितने खुश हो रहे होंगे। मुझे लग रहा था कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी रो दिए, मुझे लगा कहीं ना कहीं हनुमान जी शायद उनके अंदर ही आ गए थे और वो उनका समर्पण 11 दिन का सिर्फ राम जी का करने के लिए कि उनको उनके हाथों से उनका होना था। सो आई थिंक बहुत हमारे, मुझे लगता है कि जो हिंदू है ना सही मायने में, वो अब जागा है। हम हिंदुओं में जो एकता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अब आ रही है, फील हो रहा है कि लोग अपने धर्म के प्रति कितने एक्टिव हो रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि यंगस्टर, संत साधु महात्मा वो तो है ही, बुजुर्ग वो तो है ही, जो जो मैं एक ऊर्जा आज यूथ में देख रही हूँ ना, आप नारा लगाइए जय जय श्री राम, तो एक एक आपके पीछे आवाज़ आएगी लोगों की। सो वो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है और श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरह से मजबूत हो और हमारा परचम हर जगह लहराए। मैम हमने जैसे जय श्री राम बहुत मजा आया। मैंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार जुड़ी हूँ उनके साथ, उस पहली बार मैंने इस मंच पे परफॉर्म किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था, जिस तरह से गाना हम लोगों को दिया गया कि राम जी के ऊपर परफॉर्म करना है। सो अपने आप में मैं बहुत खुश थी कहीं ना कहीं, और धन्यवाद देती हूँ उनका कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म का कि मैं परफॉर्म करूँ यूपी दिवस पर, वो भी मुंबई में। मैम हमने जैसे देखा कि भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक डेढ़ दो महीने पहले लोग पद यात्रा करके गए हैं राम मंदिर को गाने प्राण प्रतिष्ठा समय उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं नतमस्तक होके उनको आगे हाथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि ये आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है कि भैया नतमस्तक करके एक महीना गए हैं, चल के देखिए हम 10 कदम नहीं चल पाएंगे। तो उनका जो प्रेम है भगवान के लिए, राम लला के लिए, हम लोग वो शायद फील भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों को नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप हम जैसे जनरेशन को ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमारा जो अपने भगवान के प्रति जो विश्वास है वो दिन ब दिन और अटूट होता जा रहा है। जय उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है मुंबई में, आप बहुत छोटे आर्टिस्ट को भी लोग याद करते हैं, अमरजीत भैया को स्पेशली थैंक्स। लेकिन अब छोटी आर्टिस्ट आपने काफी बड़ी आर्टिस्ट हो गई है। अरे वो आप बोले तो अच्छा लगेगा ना, हम तो बोल ही रहे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को कभी सर पे कोई भी चीज आता है ना तो सर पे चढ़ने नहीं देना चाहिए कि बड़े आर्टिस्ट हो गए ये वो। जी अयोध्या में जो राम प्रतिष्ठा हुआ है तो पूछ रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? अरे पूरा देश खुश है, खुश है, मैं क्या बोलूं, किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ पे सब बोल देंगे आपको, सब बहुत खुश है, सब राम में है बस। अयोध्या में क्या माहौल था हमें उस बार मुंबई का वो आप बता दीजिए, अयोध्या में क्या माहौल था? कल अयोध्या में मैं नहीं गई थी, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं गई थी क्योंकि पेपर वगैरह में नाम आए थे कि मैं जा रही हूँ, लेकिन कल मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा निमंत्रण पत्र मुझे रिसीव नहीं हुआ तो नहीं गई थी। लेकिन अयोध्या का माहौल मैं कल लाइव गई थी आज तक से, अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, मोदी जी का भाषण चल रहा था तो मैं लाइव गई थी। बहुत ही अच्छा माहौल है, हर कोई बहुत खुश है, इवन अभी कोई सब हर कोई प्रोफेशनल लेवल से ऊपर जाके राममय हो चुका है और खुश है बहुत। अरे बहुत अच्छा। बलिदान के बाद 22 जनवरी 2024 को ये दिन आया, ये घड़ी आई, वो क्षण आया जब हम सभी इंतजार कर रहे थे और आखिरकार रामलला आ गए। तो इसी उपलक्ष में आज 23 तारीख को, क्योंकि हर साल की भांति उत्तर प्रदेश दिवस समारोह होता है, लेकिन इस बार का जो बहुत स्पेशली श्री राम जी को डेडिकेटेड हो चुका है और आपने सुपरहिट गाना दिया है राम आएंगे, क्योंकि फिल्मों की लेकर बात करें तो कौन कौन सी फिल्में हैं जो आप कर रही हैं, कुछ बताना चाहेंगे आने वाले समय क्या प्रोजेक्ट हैं? जी बहुत सारी फिल्में हैं, अभी पिया जी के मुस्की सबसे बड़ा जो हिट था मेरा फिल्म का गाना डोली से जाके रखना, रजनीश जी से म्यूजिक डायरेक्टर थे। अभी उसके बाद पलकन की छांव माई फिल्म से आया, उसके भी म्यूजिक डायरेक्टर रजनीश जी थे। और अभी रिसेंटली सिनूर रंग गाना हर हर गंगे से है, वो
उसके एमएम जी ने उसको म्यूजिक दिया था, कमाल का गाना है। और भी तमाम गाने हैं जो कि आप सबके आशीर्वाद से बहुत सारा प्यार मिलता है। और मैं खुश इसलिए हूँ कि चूँकि फिल्मों के गाने तो आप सब प्यार देते ही हैं, डिवोशनल मेरे गाने को भी आपने इतना प्यार दिया, राम आएंगे और सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आया, ये गीत भी मैंने गाया और आज मंच पर भी ये दोनों गीत गाए और सबने बहुत